टेस्ट सीरीज में पिच से डरा ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं के कांप रहे हैं हाथ पांव, लेकिन ये पांच खिलाड़ी हैं बड़े खतरनाक। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज बस शुरू ही होने वाली है। इस सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बहुत कुछ दांव पर है। टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में पहुंचना चाहेगी और ऑस्ट्रेलिया चाहेगा भारत में आकर 18 सालों बाद टेस्ट सीरीज जीत ली जाए। लेकिन इस सीरीज के शुरू होने से पहले पिच पर किचकिच शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया डरा हुआ है कि उन्हें नागपुर टेस्ट के लिए कैसी पिच मिलेगी, लेकिन इन सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के पास पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। स्टीव स्मिथ, ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा हथियार है। स्टीव स्मिथ भारत दौरे पर आने से पहले से ही स्पिन की तैयारी कर रहे हैं। भारत आकर भी उन्होंने अश्विन जैसे देखने वाले गेंदबाज के खिलाफ बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ऐसे में स्टीव स्मिथ तैयार है कि इस सीरीज में जमकर रन बनाया जाए। स्टीव स्मिथ का अब तक टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन देखे तो उन्होंने 92 मैच खेले हैं, 8,647 रन बनाए हैं, औसत 60 से भी ऊपर का है और 30 बार शतक जड़ चुके हैं, 37 बार अर्धशतक और बेस्ट स्कोर 239 रन का है। ऐसे में स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ इस सीरीज में बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जानता है कि अगर स्टीव स्मिथ का बल्ला चल गया तो वो भारत में सीरीज जीतेगा, लेकिन अगर कहीं टीम इंडिया ने स्टीव स्मिथ के ऊपर लगाम लगा दी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत पर आकर सीरीज जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डेविड वार्नर, इस नाम के बारे में इस सीरीज को लेकर ज़्यादा चर्चा हो नहीं रही है क्योंकि मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन हर कोई जानता है कि डेविड वार्नर कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। इस खिलाड़ी का अगर तोड़ नहीं निकाला गया तो ये भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा रन बना सकता है। डेविड वार्नर ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए 101 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें 8,132 रन बनाए हैं, औसत 46 से ऊपर का है, 25 शतक लगा चुके हैं, 34 अर्धशतक लगा चुके हैं, 335 बेस्ट स्कोर है इनका। डेविड वार्नर तेज तर्रार बल्लेबाजी करते हैं, वो एक सेशन में मैच दूर लेकर चले जाते हैं और ये बात भारत जानता है कि डेविड वार्नर को हल्के में तो बिल्कुल नहीं लेना है, भले स्टीव स्मिथ कितना बड़ा नाम हो। लेकिन डेविड वार्नर अब इस सीरीज में कैसा प्रदर्शन करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से वो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में आने का ऐलान कर दिया है। मार्नस लाबुशेन, ऑस्ट्रेलिया के दूसरे स्टीव स्मिथ कहे जाने वाले मार्नस लाबुशेन बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं। भारत दौरे पर वह अपने आप को साबित करना चाहेंगे। लाबुशेन ने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाया है, लेकिन भारत एक ऐसी जगह बच गई है जहां मार्नस लाबुशेन ने अभी तक रन नहीं बना पाए हैं। ऐसे में लाबुशेन भारत में आकर अपने नाम का हल्ला मचाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि क्यों उन्हें इतना बड़ा टैलेंट कहा जाता है, क्यों मार्नस लाबुशेन को क्रिकेट का भविष्य माना जा रहा है। मार्नस लाबुशेन ने अभी तक 33 मैच खेले हैं जिसमें 3150 रन बनाए हैं, 59.4 का उनका औसत है, 10 शतक लगा चुके हैं, 14 अर्धशतक लगा चुके हैं, 215 बेस्ट स्कोर है। ऐसे में मार्नस लाबुशेन के पास बल्लेबाजी करने की ऐसी क्षमता है जो टीम इंडिया के गेंदबाजों को घेर सकती है। पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज इस समय चोटिल नजर आ रहे हैं। जॉश हेजलवुड का टेस्ट मैच खेलना मुश्किल है, मिचेल स्टार्क भी पहला टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। इन सब के बावजूद पैट कमिंस इस तेज गेंदबाजी टीम की अगुवाई कर सकते हैं। वैसे ये टीम के अगुवा ही हैं क्योंकि टीम की कप्तानी इन्हें मिली है, लेकिन गेंदबाजी में ये अलग छाप छोड़नी चाहेंगे। 47 मैच पैट कमिंस अभी तक खेल चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में 217 विकेट निकाले हैं, औसत 21.25 का है और एक पारी में बेस्ट प्रदर्शन 23 रन देकर 6 विकेट है। ऐसे में पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने असरदार हो सकते हैं या इस दौरे पर पता चलेगा, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि पैट कमिंस कैसे गेंदबाजी करते हैं क्योंकि टीम की कप्तानी के साथ साथ उनके ऊपर एक मेन गेंदबाज की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। नाथन लियोन, अभी तक हमने ऑस्ट्रेलिया के चार खिलाड़ियों के बारे में बात की जो इस सीरीज में बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन नाथन लियोन एक ऐसा खिलाड़ी है जो इस सीरीज में इन सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। भले ही नाथन लियोन स्पिनर हैं और हम मानते हैं कि स्पिनर्स ज़्यादा भारत में आकर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर पाएंगे, लेकिन नाथन लियोन जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं वो भारतीय बल्लेबाजों को छका सकते हैं। नाथन लियोन ने अब तक 115 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 460 विकेट निकाले हैं, 31.66 का औसत है, 50 रन देकर 8 विकेट लेना इनका एक पारी का बेस्ट प्रदर्शन है। ऐसे में नाथन लियोन इस सीरीज में बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। पहला टेस्ट जीतने का मिला फॉर्मूला, 3 vs 3 की भिड़ंत में छुपी है जीत, भारत ऑस्ट्रेलिया में कौन है बेस्ट।
ऑस्ट्रेलिया और भारत में अब बाजी लग चुकी है, जो बेस्ट होगा वही ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। इस टेस्ट सीरीज में सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। टीम इंडिया के लिए नंबर एक की लड़ाई है, तो ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि भारत में आकर टेस्ट सीरीज जीते। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ने ही 3-3 का ऐसा प्लान तैयार कर लिया है, तो जो इस सीरीज में चला वही टीम चैंपियन बनेगी। लेकिन ये 3-3 का कौन सा फॉर्मूला है जो दोनों टीमें अपनाने वाली है, और आखिर कैसे दोनों टीम में से जिसका 3 ताकतवर होगा वो जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास है 3 का फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो फॉर्मूला अपना रही है उन्होंने आज तक ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं अपनाया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन भारत आकर ऑस्ट्रेलिया ने 3 का फॉर्मूला अपनाया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 स्पिनर खिलाने की ओर ध्यान दे रही है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में आपने कभी 3 स्पिनर एक साथ खेलते हुए नहीं देखे होंगे, लेकिन अब जब वो भारत पहुंच चुकी है तो विकेट की दरकार देखते हुए वो 3 स्पिनर खिलाने के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में कंगारू टीम के पास जो 3 स्पिनर प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं वो है नाथन लियान, एस्टन अगर, टॉड मर्फी। टॉड मर्फी इनके एक युवा खिलाड़ी हैं जिनको मौका दिया जा सकता है। एस्टन अगर को आप जानते ही हैं, इसके अलावा नाथन लियान इनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पास ये 3 खिलाड़ी है जो उनका 3 का फॉर्मूला होगा। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के पास कौन सा 3 का फॉर्मूला है? भारत के पास भी 3 का फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, भारत के पास 3 का फॉर्मूला है, और यूं कहे कि भारतीय कंडीशन में ये फॉर्मूला ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, क्योंकि टीम इंडिया के पास 3 स्पिनर प्लेइंग 11 में दिखाई दे सकते हैं। वैसे तो भारत के पास 4 स्पिनर है, लेकिन उनमें से अगर 3 स्पिनरों को जगह मिलेगी तो एक आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव हो सकते हैं। ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर खिलाएगा तो भारत भी अपने लिए 3 स्पिनर टीम में रखेगा। ऐसे में ये दोनों टीम आमने सामने जब टकराएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 3-3, और जिसका का फॉर्मूला चला वो टीम चैंपियन बन सकती है। जिसका लगेगा 3 का दांव उसका बढ़ेगा भाव। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पास 3 का फॉर्मूला है, तो भारत के पास भी 3 का फॉर्मूला है। लेकिन इस 3 के फॉर्मूलों में किसका 3 भारी रहता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में ये 3 का फॉर्मूला ही हर टीम के लिए जीत की चाबी बनेगा। भारत के पास देखें तो भारत के पास अनुभवी खिलाड़ी हैं, भारतीय कंडीशन में अच्छी गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो या फिर रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय कंडीशन में कहर मचाया हुआ है। कुलदीप यादव भी एक बड़ा दांव लगा सकते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया के 3 स्पिनर कैसे गेंदबाजी करते हैं। नाथन लॉन के पास एक्सपीरियंस है, एस्टन अगर भी कुछ मैच खेले हैं, टॉड मर्फी अभी नए हैं, लेकिन वो भारतीय कंडीशन में आकर कैसी गेंदबाजी करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय बल्लेबाज, क्या वो स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करेंगे, ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय में स्पिनरों ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया है। आ गई पहले टेस्ट की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा ने कर दिया अंतिम 11 का ऐलान। 4-4 धांसू खिलाड़ियों को कर दिया बाहर। अब कैसे जीतेगी टीम इंडिया? टीम इंडिया का अगला मिशन अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना है। इस सीरीज के पहले मुकाबले के लिए रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस बड़ी सीरीज के शुरुआती मुकाबले से ही रोहित ने 4-4 धांसू खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिर भारतीय टीम कैसे पहले टेस्ट मैच को जीतेगी, कैसे टीम इंडिया नागपुर में जीत का परचम लहराएगी। चलिए पहले आपको बताते हैं कि रोहित शर्मा ने कौन कौन से 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है। गिल और राहुल में से कौन करेगा ओपनिंग? इस सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि शुभमन गिल और केएल राहुल में से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कौन करेगा। तो अब इस सवाल का जवाब रोहित शर्मा ने दे दिया है, और उन्होंने अपने साथ पारी की शुरुआत करने के लिए अपने जोड़ीदार के तौर पर केएल राहुल को चुना है। ऐसे में केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देगी। नंबर 3 पर खेलेंगे पुजारा। रोहित और राहुल के बाद नंबर 3 पर टीम इंडिया की मॉडर्न दीवार यानी कि चेतेश्वर पुजारा खेलते हुए नजर आएंगे। पुजारा इस सीरीज में भारत के लिए काफी अहम किरदार निभा सकते हैं। वहीं हो सकता है कि सीरीज खत्म होने के बाद पुजारा आपको प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतते हुए दिखाई दें। नंबर 4 पर खेलेंगे विराट कोहली। पुजारा के बाद विराट कोहली नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। विराट कोहली ने पिछले 3 सालों से टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी नहीं लगाई है। ऐसे में उनसे इस बड़ी सीरीज में भारतीय फैंस को दमदार पारियों के साथ साथ धमाकेदार शतक की भी उम्मीद रहेगी। नंबर 5 पर खेलेंगे शुभमन गिल। जी हां, शुभमन गिल की शानदार फॉर्म को देखते हुए उन्हें मिडल ऑर्डर में खिलाया जाएगा। अगर शुभमन गिल नंबर 5 पर खेलेंगे तो इसका मतलब साफ है कि सूर्य कुमार यादव को बाहर बैठना होगा।
हालांकि रोहित शर्मा सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल को लेकर थोड़े से कंफ्यूज थे, लेकिन क्योंकि शुभमन गिल दमदार फॉर्म में हैं और उन्होंने वनडे के साथ साथ टी20 में भी धमाकेदार सेंचुरी लगाई है और उनकी फॉर्म को देखते हुए उन्हें सूर्य कुमार यादव के ऊपर तरजीह दी जाएगी और शुभमन गिल आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखाई देंगे, तो ऐसे में सूर्या को बाहर बैठना होगा। कौन होगा विकेट कीपर? चलिए गिल और सूर्या में से तो रोहित ने गिल को चुन लिया, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है और वो ये है कि कौन होगा विकेट कीपर, क्योंकि भारत के पास ईशान किशन और केएस भरत के तौर पर दो दो ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे में रोहित शर्मा ने इस बार केएस भरत के साथ जाने का फैसला किया है और ईशान किशन को बाहर बैठना होगा। केएस भरत पिछले 2 साल से टीम इंडिया के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें रोहित शर्मा ने अब डेब्यू कराने का फैसला किया है और इसी वजह से ईशान किशन को बाहर बैठना होगा। कौन से 3 स्पिन गेंदबाज दिखाएंगे जलवा? दरअसल टीम इंडिया के पास इस सीरीज में 4 स्पिन गेंदबाज मौजूद हैं। इनमें आर अश्विन, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच के लिए सिर्फ 3 स्पिन गेंदबाजों के साथ ही जाना चाहते हैं और ऐसे में रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को चुना है, तो इसका मतलब साफ है कि अक्षर पटेल को पहले टेस्ट मैच से बाहर बैठना होगा। वैसे आपको बता दें कि अक्षर पटेल ने पिछले कुछ मुकाबलों में दमदार गेंदबाजी की है और उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम किरदार निभाया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच से अक्षर पटेल को बाहर बैठना होगा। ये होगी 2 तेज गेंदबाजों की जोड़ी। चलिए स्पिन गेंदबाजी की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं तेज गेंदबाजी की। तो तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी आपको नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे और कंगारू टीम पर दबाव बनाते हुए दिखाई देंगे। चलिए ये तो बात हुई स्पिन गेंदबाजी की, अब बात कर लेते हैं तेज गेंदबाजों की। तो इस मुकाबले में टीम इंडिया सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगी और ये 2 तेज गेंदबाज होंगे मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। ये दोनों खिलाड़ी नई गेंद से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बनाते हुए दिखाई देंगे। चलिए आपको बता देते हैं कि पहले टेस्ट मैच के लिए कैसी है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, शुभमन गिल, केएस भरत, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। मैच से पहले भड़के रोहित शर्मा, गुस्से में दिया मुंहतोड़ जवाब, देखती रह गई पूरी दुनिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के मैदान पर खेला जा रहा है, लेकिन इस बड़े मैच की शुरुआत से पहले ही टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा गुस्से में आग बबूला हो गए। रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और उन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपने गुस्से का इजहार करते हुए मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया और पूरी दुनिया रोहित के गुस्से को देखती रह गई। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारतीय कप्तान को यह गुस्सा आया क्यों? क्यों गुस्से में आग बबूला हुए रोहित शर्मा? नागपुर टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि बाद में रोहित शर्मा ने अपने गुस्से को काबू में करते हुए मुंहतोड़ जवाब भी दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टीम इंडिया पर बहुत ज्यादा खराब पिच बनाने का आरोप लगाया है। रोहित शर्मा से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात को लेकर सवाल किया गया तो टीम इंडिया के कप्तान गुस्से में तिलमिला उठे। रोहित ने फिर अपने आप को शांत करते हुए इसका जवाब दिया और वो भी कुछ इस तरह से। स्पीकिंग अबाउट द डॉक्टर्ड विकेट, आई जस्ट फील दैट जस्ट वी गॉट टू फोकस ऑन द क्रिकेट दैट इज गोइंग टू बी प्लेड फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, नॉट वरी टू मच अबाउट द पिच। The last series that we played here, a lot was spoken about the pitches and all of that. I think, you know, all 22 cricketers who are going to play, they're all quality cricketers. So not to worry too much about what the pitch is going to be like, how much is it turning, how much is it seaming and all those kind of things. You've got to just come out and play good cricket and win the game, as simple as that. दरअसल ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टीम इंडिया पर बहुत ज्यादा खराब पिच बनाने का आरोप लगाया है और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया इस बात को लगातार उछाल रही है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने लगाया ये आरोप। दरअसल सोशल मीडिया पर नागपुर की पिच की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इस पिच को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पिच स्पिनर्स को बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ मदद दिला सकती है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस पिच की तस्वीरें शेयर कर पिच के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं।
हालांकि आपको बता दें कि ये क्यूरेटर्स का मूव होता है कि वो मुकाबले में किस तरह की पिच देना चाहते हैं, और अब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया इसी बात को तूल दे रहा है और लगातार टीम इंडिया पर सवाल खड़े कर रहा है। और जब ये सवाल रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो वो गुस्से में आग बबूला हो गए। हालांकि रोहित शर्मा ने फिर अपने गुस्से को शांत करते हुए इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया 4 मैचों की इस टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को मात दे पाएगी? क्या टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना पाएगी? क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।